प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त देश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब राज्य मंत्री की तरह आवास व सुरक्षा जैसी अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। राज्य मंत्री को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोटोकॉल का अब पूरा पालन किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 12 सूत्री मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिस पर विचार कर सीएम ने यह निर्णय लिया है। जिला पंचायत सागर के अध्यक्ष और पंचायत संघ के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रदेश भर से 44 जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। इस दौरान हीरा सिंह राजपूत ने प्रत्येक मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसके बाद कुछ देर विचार करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मांगों को मानकर जल्द ही उन पर अमल करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों की अन्य मांगों पर अधिकारियों का दल बनाकर परीक्षण उपरांत इसे जल्द लागू करेंगे, जिसके बाद आभार जताते हुए हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि आपके नेतृत्व में वर्ष 2023 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। हम सब चाहते हैं कि आपके दिए गए अधिकारों का उपयोग कर सके। प्रदेश की जनता के हित में पार्टी की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करें। इस दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया मौजूद रहे। देखिए, आज हम मध्य प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया था मिलने का। हम लोगों ने अपनी 12 सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय दिया। लगभग एक घंटा हम लोगों से चर्चा की और मैंने उनको बिंदुवार हर मांग से अवगत कराया और हर मांग पर उन्होंने अपनी सहमति बताई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।